फलदार पौधों में लगने वाले कीट और रोग और व्याधि प्रबंधन के बारे में। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। फलदार पौधे मसलन आम, अमरूद, लीची, बेर, अनार, आंवला, नींबू, पपीता और खजूर की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि पौधों को खेत में लगाने के बाद शुरू के 2 साल तक पौधों को पाले और लू से बचाव करने के उपाय करने चाहिए। आम में जो लगने वाले कीट व्याधि हैं उनका पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। आम में देखते हो कि एक मुख्य समस्या है किसान भाई की जो कोमल टहनियाँ होती हैं नई, उसका जो अंतिम सिरा होता है वो सिरे पर आप देखिएगा कि ये शंकुआकार कुछ स्ट्रक्चर बना रहता है, वो एक कीड़ा होता है सूट गॉल, उसके कारण होता है वो वहाँ पर खाता है और वहाँ जो स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था उसको वो लोग इस तरह का बना देता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप किसान भाई पहला तो करें कि इस तरह की जितनी भी टहनियाँ हो उनको आप हटा दें, उस पर आप ब्लाइटोक्स 50 का आप लेप लगा दीजिए ताकि कोई अन्य रोग वगैरह न लगे। ये एक दूसरी चीज़ की है, ये लगे नहीं उसके लिए आप जो है सो इन टहनियों पर 2 बार साल में, एक बार सितंबर में एक बार फरवरी में, करीब करीब 6 महीने का अंतराल होता है, आप इमिडाक्लोरिड नाम की दवा का 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर घोल बना करके और पेड़ों पर आप छिड़काव किया करें हर वर्ष। पौधों के चारों तरफ घास फूस, खीप, सरकंडे आदि की टाँटियाँ बांधनी चाहिए। सर्दियों में पौधों को पाले से बचाने के लिए इनकी टाँटियों को दक्षिण पूर्व भाग खुला रखें ताकि सर्दियों में धूप आती रहे और गर्मियों में लू से बचाव होता रहे। आप इसमें देखिएगा कि जब फल लगने का समस्या आता है, जब समय आता है आम में, तो उसमें देखिएगा एक कीड़ा होता है मधुआ कीट जिसको कि रस चूसते रहता है फल फूल का और पत्तियों का, तो उससे वो देखिएगा कि वहाँ मधु के समान कुछ नीचे गिराता है, आपके पत्तियों पर देखिए लेप लगा रहता है, तो इसकी भी रोकथाम इसी दवा से आप कर सकते हैं। कैंकर, लीफ कर्ल, कोरल स्पॉट, एप्पल स्कैब, ग्रे मोल्ड और पॉकेट प्लम फलों में लगने वाले रोग हैं, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू सबसे खतरनाक है। यह फंगस के समूह का एक रूप है। यह फंगल संक्रमण गार्डन के कई सजावटी पौधों और फल वाले पौधों को प्रभावित करता है। दीमक के रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा आती है 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर घोल करके, और वो पहले तो मिट्टी में रहता है, मिट्टी में आप थोड़ा सा कोड़ाई करके और उस पर जो है सो बालू में, यही एक मुट्ठा बालू में 10 से 15 ml आप दवा मिला लीजिए, मिलाकर उसको भुड़काव करिए, भुड़काव करके पानी पटा दे ताकि दवा मिट्टी में जाए और वहाँ पर जो कीड़े हों दीमक वो मर जाए। या अगर ये दवा किसी कारण से नहीं मिल पाया तो उस कंडीशन में किरासन तेल हर जगह गाँव देहात कहीं भी जाएंगे वो रहता है, उससे आप नहला दें, आपका ये समस्या निदान मिल जाएगा। जहाँ तक कीट प्रबंधन की बात है तो किसानों को सबसे अधिक चौकन्ना रस चूसक कीट से रहना होगा। इसकी वजह से पौधों की पत्तियाँ गिरने लगती हैं और पौधों के विकास में बाधा आती है। रस चूसक कीट नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए 150 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर देहात हॉक मिलाकर छिड़काव करें। वहीं नीम के तेल के मिश्रण का छिड़काव भी नियंत्रण के लिए कारगर उपाय है। अमरूद में जाएंगे उठा रोग लगता है, उठा रोग अगर अमरूद में लग रहा हो, ऊपर से सहनी टहनी सूखती है तो उसको वो काट करके हटा दें और उस पर वहाँ पर ब्लाइटोक्स 50 का लेप लगा दें, और इसका जो मिट्टी हो मिट्टी में वो ब्लाइटोक्स 50 नाम की दवा से ही मिट्टी को भी नहला दें ताकि पेड़ जो है सो आगे उसको जो है उठा रोग उसको उतना परेशान न करे। इनके अलावे में किसान भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में लीची एक अच्छा फसल है, लीची में आप देखिएगा कि कीड़ा लगता है माइट, माइट के रोकथाम के लिए माइट नाम की दवा एक लीटर पानी में 2 ग्राम अगर पाउडर है तो और लिक्विड है तो 2 ml घोल करके आप छिड़काव कर दें तो ये कीड़ा 15 दिन के अंतराल पर तो कीड़ा से इनको निजात मिलेगा।